सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मपड़िया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के क्रेडिट सीन के बारे में। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के अंदर हमें त'चाला और नाकिया के सन के बारे में पता चला, और त'चाला और नाकिया का सन एके प्रिंस त'चाला मार्वल के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो सकता है। कॉमिक्स के अंदर भी त'चाला का एक सन होता है निम्न अजारी, और बेसिकली कॉमिक्स के अंदर त'चाला का सन स्टॉर्म के साथ होता है, क्योंकि स्टॉर्म एक म्यूटेंट थी तो त'चाला और स्टॉर्म का सन एक म्यूटेंट होता है। सो एमसीयू के अंदर जो प्रिंस त'चाला हमें दिखाया गया है उसकी मदर ऑफ कोर्स स्टॉर्म नहीं है बल्कि नाकिया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रिंस त'चाला हमें इस पोस्ट को इसी में दिखाया गया है वो एक म्यूटेंट नहीं है। ऐसा हो सकता है कि प्रिंस त'चाला एक म्यूटेंट हो, क्योंकि मार्वल के अंदर अब म्यूटेंट्स आना चालू हो गए हैं। मिस मार्वल के अंदर भी हमें पता चलता है कि मिस मार्वल एक इनह्यूमन नहीं है बल्कि एक म्यूटेंट है, तो ऐसा हो सकता है कि मार्वल फ्यूचर में रिवील करे कि त'चाला का सन भी एक म्यूटेंट है जिसके पास लाइटनिंग की पावर्स हो सकती हैं, जैसे कि कॉमिक्स में था। इसके अलावा क्योंकि प्रिंस त'चाला किंग त'चाला का बेटा है, तो इवेंचुअली प्रिंस त'चाला ब्लैक पैंथर ही बनेगा, और प्रिंस त'चाला के पास ब्लैक पैंथर के भी पावर्स आएंगे। सो प्रिंस त'चाला एक काफी पावरफुल करेक्टर हो सकता है मार्वल में फ्यूचर के अंदर। अब बेसिकली प्रिंस त'चाला यंग एवेंजर्स का पार्ट बन सकता है मार्वल के फ्यूचर में। मार्वल ने ऑलरेडी काफी सारे यंग एवेंजर्स को इंट्रोड्यूस कर रखा है, जैसे कि मिस मार्वल, आयरन हार्ट, केट बिशप, विकन एंड स्पीड, स्कार, और अब इस लिस्ट में प्रिंस त'चाला का नाम भी जुड़ गया है। सो ये सारे यंग एवेंजर्स एवेंजर्स 5 और 6 के अंदर एक काफी बड़े रोल के अंदर हो सकते हैं। प्लस फ्यूचर में मार्वल यंग एवेंजर्स के ऊपर एक टीवी सीरीज या फिर एक मूवी भी डेवलप कर सकती है, जिसके अंदर हमें प्रिंस त'चाला भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ब्लैक पैंथर 3 के अंदर भी मोस्ट प्रोबेबली हम प्रिंस त'चाला को देखने वाले हैं, और उस मूवी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली सूरी प्रिंस त'चाला को ट्रेन करेगी टू बी द नेक्स्ट ब्लैक पैंथर। सो प्रिंस त'चाला एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मार्वल के फ्यूचर के लिए और यंग एवेंजर्स के लिए। जिस प्रिंस त'चाला के वर्जन को हमें ब्लैक पैंथर 2 के क्रेडिट्स में दिखाया गया, ये वर्जन काफी छोटा था, और लगभग 8 से 9 ईयर ओल्ड प्रिंस त'चाला को हमें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के अंदर दिखाया गया है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा ये करेक्टर कब रिटर्न करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रिंस त'चाला वैसे तो एवेंजर्स 5 और सीक्रेट वॉर्स के अंदर भी रिटर्न कर सकता है, पर ऐसी भी काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि प्रिंस त'चाला डायरेक्टली हमें ब्लैक पैंथर 3 में देखने को मिले, जो मूवी मोस्ट प्रोबेबली 2026 के बाद ही आएगी। सो प्रिंस त'चाला को एक बार एक्शन में देखने के लिए आपको भी काफी वेट करना होगा, पर आप इस करेक्टर को वापस एक्शन में देखने के लिए एक्साइटेड हो ये मुझे कमेंट्स में लिख बताना ना भूले। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर हमारे चैनल पर आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।